हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू gohash.in। कल से इंटरनेट पर काफ़ी बड़ा बवाल चल रहा है। आप सब जानते हैं ट्विटर के फॉर्मर सीईओ जैक डॉर्सी का एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने हाल ही में एक यूट्यूब चैनल ब्रेकिंग पॉइंट्स पर उन्होंने एक टॉक शो में इंडिया के बारे में जिक्र किया है। जिस तरह से इंडिया इतनी बड़ी डेमोक्रेसी कंट्री है, जहां पर जो हाल ही में फार्मर प्रोटेस्ट हुई थी, वहां पर पर्टिकुलर जर्नलिस्ट जो गवर्नमेंट से क्रिटिकल थे, यानी कि उनकी गवर्नमेंट के जो विरोधी जो आइटम्स होते हैं, जो ट्वीट्स होते हैं, जो मैसेजेस होते हैं, वो जब डालते थे तो इन्हें वार्निंग्स दी जाती है। ये वार्निंग दी जाती है कि ट्विटर को हम इंडिया में बंद कर देंगे और आपके घरों पर हम रेड मारेंगे, आपके ऑफिसेस को शट डाउन करेंगे अगर आप रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो। ऐसा खुलासा उन्होंने किया कि इंडियन गवर्नमेंट ने ट्विटर पर प्रेशर डाला था, ट्विटर के एम्प्लॉयज पर प्रेशर डाला था कि किसी भी फार्मर प्रोटेस्ट के खिलाफ या सरकार के खिलाफ कोई भी स्टेटमेंट्स ना ले। इसी को चलते हुए मोहम्मद जुबैर ने भी इस पर ट्वीट किया है। एंटायर बयान आप देख सकते हैं जैक डॉर्सी का। जब दूसरी तरफ लोगों ने सवाल उठाया तो आईटी मिनिस्टर ने इस पे जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल झूठ बात है। ट्विटर एक ऐसी कंपनी है जो बिलीव करती है कि गवर्नमेंट से हमें इंडियन लॉ से कंप्लाई करना ज़रूरी नहीं है। गवर्नमेंट ने शुरू से इंडिकेशन दिया था कि हर ऐप रहने दो, चाहे वो फेसबुक रहने दो, यूट्यूब रहने दो, या फिर टेलीग्राम रहने दो, ट्विटर रहने दो, हर किसी को गवर्नमेंट के रूल्स को अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन शुरू से ट्विटर उन रूल को नहीं मान रहा था। यूनियन मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर ने इस पर बात की। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि 2020 से लेकर 22 तक ट्विटर ने ऐसे कई बार इंडियन लॉ को वायलेट किया है। उसके बाद 2022 में उन्होंने अपने हमारे लॉ को कंप्लाई किया, लेकिन एंटायर पीरियड में कोई भी जेल को नहीं गया, ना ही किसी पर रेड पड़ी। जैक डॉर्सी को यह मालूम है कि वो इंडियन लॉ को कंप्लाई नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी हम उन पर कोई ऐसा स्टोरीज नहीं बने, कोई रेड हुआ, उन पर अरेस्ट हुई, इस तरह की बात यूनियन मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर कह रहे हैं। अब ये देखिए, डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री में आपको अगर आप जर्नलिस्ट का ही गला दबा देंगे तो ये कैसी बात है। एक तरफ जैक डॉर्सी ने इस तरह की बात कही और दूसरी तरफ मिनिस्टर ने उसका जवाब भी दिया है। आपकी क्या राय इस बारे में जरूर बताएगा। इंडिया फॉर एग्जांपल, इंडिया इज अ कंट्री दैट हैड मेनी रिक्वेस्ट ऑफ अस अराउंड द फार्मर्स प्रोटेस्ट, अराउंड पर्टिकुलर जर्नलिस्ट दैट वर क्रिटिकल ऑफ द गवर्नमेंट, एंड इट मैनिफेस्टेड इन वेज सच एज वी विल शट Twitter down in India, which is a very large market for us. We will raid the homes of your employees, which they did. We will shut down your offices if you don't follow suit. And this is India, a democratic country.